सो दोस्तों यार, आप में से काफ़ी लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि Realme Narzo 50 और Narzo 50 Pro ये दोनों स्मार्टफोन कब तक इंडिया में लॉन्च किए जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली यहां पर Realme ने Narzo 50 और Narzo 50 Pro स्मार्टफोन को इंडिया के लिए टीज करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब कि ये स्मार्टफोन हमें इसी महीने में बहुत ही जल्द लॉन्च होते हुए मिलने वाले हैं। और गाइस, इसकी क्या लॉन्च डेट होगी उसके बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme के Narzo 50 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी ये तो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है, साथ ही साथ ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है, स्मार्टफोन की क्या प्राइसिंग हो सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और क्या आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई नया स्मार्टफोन नहीं होने वाला है, बल्कि रीब्रांडेड होगा Realme Q5i का, जो कि दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर चाइना में लॉन्च किया गया था। तो वही स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो ये जो फोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर ये फोन प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक दिया गया है, और फ्रंट में हमेशा की तरह भाई कौन सा प्रोटेक्शन दिया गया इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यार Realme ने यहाँ पर कन्फर्म नहीं किया है। तो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी फोन की यहाँ पर डिसेंट है। डिज़ाइन की बात कर लेते हैं भाई, तो बैक लुक तो फ़ोन का यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जहाँ पर बैक साइड में आपको टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगुलर शेप के साथ में मिल जाते हैं दो बड़े बड़े कैमरा, साथ ही में आपको यहाँ पर LED फ्लैश मिल जाता है, और नीचे की तरफ आपको Realme की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। लेकिन भाई सामने की बात करें तो यार सामने आपको यहाँ पर एक बार फिर से निराश होना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलने वाली है वी नॉच वाली डिस्प्ले, पतली सी चेन, पतले से बीजर्स आपको मिल जाएंगे। तो फोन का जो ओवरऑल लुक है, फ्रंट लुक भाई थोड़ा सा ओल्ड जरूर मिलने वाला है, लेकिन भाई फोन का जो बैक लुक है वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो फोन है ये डिसेंट लुक के साथ में मिलने वाला है, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाएगी, तो वहां पर आपको कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है दो कलर ऑप्शन के साथ में, जहां पर आपको ब्लू और ब्लैक दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। वैसे आपको कौन सा पसंद है वो मुझे आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो भाई यार उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हाई हेलो तो कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि स्मार्टफोन का जो चेहरा है वो हमें क्या दिखाने वाला है। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये आता है 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले के साथ में, और आपको यहाँ पर 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो 401 PPI डेंसिटी का सपोर्ट मिल जाएगा। तो देखा जाए भाई तो यहाँ पर जो डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी वो भी आपको अच्छी मिल रही है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। हालांकि यार HDR10 का सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर फोन को आउटडोर में इस्तेमाल करने की बात करें तो आपको यहाँ पर 600 नीट्स की एक अच्छी खासी ब्राइटनेस भी मिल जाती है। तो भाई देखा जाए तो इनडोर और आउटडोर में फोन इस्तेमाल करने में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज वाली टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे भाई तो यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो तो अच्छी मिल रही है, उसमें आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आएगी। हालांकि यहाँ पर पंच होल कटआउट या फिर कुछ ऐसी डिस्प्ले होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो भाई चेहरा तो हमने देख लिया यार, चेहरे से तो काम चल जाएगा, लेकिन आंखें जो इतनी बड़ी बड़ी दी गई हैं उसके अंदर का क्या राज है ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस फोन के बैक साइड में आपको मिलते हैं दो कैमरा, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा था बड़ी बड़ी जरूर दी गई हैं। दोस्तों जो दूसरा बड़ा वाला सेंसर दिया गया है वहां पर आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिलता है। रही बात सामने की तो सामने आपको यहाँ पर मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो भाई ये तो अच्छा हुआ कि यार यहाँ पर 5 मेगापिक्सल नहीं दिया गया, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भाई ये चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है तो यहाँ पर प्राइस कटिंग तो देखना कन्फर्म था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कैमरा सेटअप की, तो मेरे हिसाब से यार एवरेज कैमरा सेटअप है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट और बैक कैमरा से 30 FPS तक। तो भाई आंखें भली बड़ी बड़ी देखने को मिल रही हो, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। तो भाई ये तो थे चेहरा और आंखों के बारे में बातें, लेकिन अब देखते हैं कि स्मार्टफोन का जो ब्रेन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है।
दोस्तों इस फोन के अंदर आपको डेफिनेटली एक काफी अच्छा चिपसेट दिया गया है। ये स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक के डायमेंसिटी 810 के 5G चिपसेट के साथ में। दोस्तों प्रोसेसर काफी अच्छा है, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है। 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, जिससे आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें काफ़ी कम मिलती हैं। और अच्छी बात है भाई कि बैटरी एफिशिएंसी फ़ोन की आपको ज़बरदस्त मिलती है, तो प्रोसेसर के मामले में आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली है। थोड़ी सी और डिटेल में बात कर लें तो 64-bit आर्किटेक्चर के साथ में आपको मिल जाते हैं यहाँ पर 8 कोर, जिसमें से पहले 2 कोर आपको मिलते हैं 2.4 GHz पर कोर्टेक्स A76 के, और बाकी के 6 कोर आपको दिए गए हैं 2 GHz पर कोर्टेक्स A55 के। तो भाई डे टू डे यूजर्स के लिए परफॉर्मेंस फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, उसमें आपको शिकायत नहीं आएगी। गेमिंग की बात कर ले तो गेमिंग रिलेटेड टास्क को यहाँ पर हैंडल करने के लिए आपको मिलता है आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि भाई आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप की गेमिंग काफ़ी आसानी से करा देता है। और अगर आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग या फिर रेंडरिंग करना चाहे भाई, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आती है। भाई ब्रेन तो यहाँ पर आपको काफ़ी पावरफुल देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम हाथ और पैरों के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है 4 और 6 GB रैम के साथ में, जहाँ पर आपको 4 वाले वेरिएंट के अंदर 3 GB की वर्चुअल रैम मिलती है और 6 वाले के अंदर आपको 5 GB तक की वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है। जहाँ पर रैम की क्वालिटी है LPDDR4X, और स्टोरेज की बात करें तो 128 GB इनबिल्ट स्टोरेज दोनों ही वेरिएंट में आपको मिलता है, जहाँ पर स्टोरेज की क्वालिटी आपको मिलती है UFS 2.2। तो भाई देखा जाए तो ये अच्छी बात है, आपको यहाँ पर हाथ और पैर भी काफ़ी एक्टिव मिल जाएंगे। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज फ़ोन में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, लेकिन हाथ पैर और ब्रेन को चलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर पेट की भी ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों अगर हम पेट की बात करें तो ये फ़ोन आता है 5000 mAh बैटरी के साथ में। सो देखा जाए तो पेट का साइज़ काफ़ी अच्छा है भाई, काफ़ी अच्छे से खाता पीता है, और इसको तेज़ी से पचाने के लिए भाई आपको यहाँ पर 33 W की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के ब्रांड चार्जर ही चुराने लग गए, तो ऐसे में ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर आपको रियलमी की तरफ से चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल दोस्तों यहाँ पर फ़ोन का अच्छा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फ़ोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, फेस अनलॉक जैसे फीचर्स मिल जाएंगे, 3.5 mm वाला जैक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलने वाले हैं, तो ऑडियो आपको यहाँ पर डिसेंट मिलेगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और हाँ भाई, अगर बात करें सेंसर्स की, तो सेंसर्स में कोई कमी नहीं मिलने वाली है। रही बात फ़ोन के यूज़र इंटरफेस की, तो यहाँ पर आपको मिलता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 12, जहाँ पर आपको मिलता है रियलमी का UI 3.0। तो भाई यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर वगैरह तो मिलते हैं, लेकिन आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो फ़ोन की जो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छी मिलती है। वैसे भाई UI तो अपना अपना टेस्ट होता है, हो सकता है कि आपको रेडमी का UI पसंद आता हो, या फिर हो सकता है किसी को यहाँ पर रियलमी का UI पसंद आता हो, तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। फाइनली दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट और प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों रियलमी नार्जो 50 और नार्जो 50 प्रो ये दोनों स्मार्टफोन इंडिया में दोस्तों हमें इसी महीने लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, और काफ़ी सारे लीकर्स का मानना यह है कि 20 तारीख के बाद आपको इसकी सेल भी देखने को मिल सकती है, जिसका मतलब दोस्तों कि 20 तारीख के पहले ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। रही बात प्राइसिंग की दोस्तों, तो अगर आप स्मार्टफोन की पूरी स्पेसिफिकेशन पर ध्यान देंगे तो ये स्मार्टफोन एक एवरेज टाइप का स्मार्टफोन होने वाला है। हालांकि प्रोसेसर फ़ोन का काफ़ी अच्छा दिया गया है, लेकिन बाकी चीज़ों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस कटिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों यार ये स्मार्टफोन इंडिया में थोड़ी सी अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ में आ सकता है, क्योंकि Realme 9 5G ये जो स्मार्टफोन है इसी प्रोसेसर के साथ में आपको बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ में मिलता है, जिसकी प्राइसिंग आपको मिलती है 15,000 रुपये। सो ऐसे में दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग डेफिनेटली यहाँ पर कम होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन आपको 12,000 से 13,000 रुपये की प्राइस पर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये फ़ोन 13,000 रुपये की प्राइस पर भी लॉन्च हो जाता है तो क्या ये लेने लायक रहेगा या नहीं, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों मेरे हिसाब से यार 13,000 रुपये की प्राइस पर ऑलरेडी काफ़ी अच्छे 4G स्मार्टफोन आपको मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको ऑलराउंडर टाइप की परफॉर्मेंस मिल जाती है, अच्छे कैमराज, लंबी बैटरी बैकअप, और यहाँ तक कि दोस्तों आपको अच्छे खासा डिज़ाइन और अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी भी मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ उन यूज़र्स के लिए होने वाला है जिन्हें कि सिर्फ और सिर्फ 5G स्मार्टफोन ही लेना है, तब वो स्मार्टफोन को देख सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर किसी अच्छे 4G स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहिए। फाइनली दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन था,
आप सभी इसको लेकर के क्या कहते हैं वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।